लखनऊ पहुंचे व्योम, नेहा और आशुतोष। टीम अटल संग एक दिन। लखनऊ की गलियों में सैर सपाटा। एनटीवी पर 5 दिसंबर से शुरू होगा नया सीरियल जिसका नाम है अटल। ये कहानी बेस्ड है अटल बिहारी वाजपेयी पर। बताई जाएगी इनकी अनसुनी कहानी, इनकी जीवनी के बारे में कई सारी बातें। ऐसे में छोटे अटल का किरदार निभा रहे हैं व्योम ठक्कर। सीरियल में अटल की माँ का किरदार निभा रही हैं एक्ट्रेस नेहा जोशी और अटल के पिताजी बने हैं आशुतोष कुलकर्णी। और आज ये तीनों पहुँच गए हैं लखनऊ में अपने शो के लॉन्च के लिए। भाई यहाँ होगी ढेर सारी मस्ती, लखनऊ की करेंगे ये सैर, खाएंगे चाट। टांगे पर होगी इनकी सवारी और साथ ही होगी सीरियल अटल के बारे में ढेर सारी बातें। तो चलिए इस सफर में सास बहू और बेटियां बनता है इनका हम सफर और इनके साथ हम बिताएंगे पूरा एक दिन। तो भाई सबसे पहले हुआ सीरियल का लॉन्च, जहां मीडिया के सामने व्योम, नेहा और आशुतोष ने बताई सीरियल के बारे में कुछ बातें। नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान अंग्रेजों का। क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? उसके बाद ये निकल पड़े लखनऊ की गलियों में करने सैर सपाटा। तो भाई सबसे पहले इन्होंने लखनऊ की चाट का मजा उठाया। व्योम, नेहा और आशुतोष सवार हुए इस टांगे पर। भाई यहाँ ये कर रहे हैं खूब एंजॉय।
हर शहर की अपनी खासियत होती है, अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक रूप होता है। तो यहाँ की जब पानी पूरी खाई, पापड़ी चाट खाया, आलू चाट खाया, तो मुंबई में कितने सालों से ये सब खाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का वो पापड़ी चाट का रूप ही कुछ अलग था, उसका स्वाद ही अलग था। तो मुझे लगता है कि हर शहर का, हर जगह का एक अपना अस्तित्व होता है, और बस हमें वो देखना चाहिए, हमें वो महसूस करना चाहिए। तो हम वही महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जब टांगे से यहाँ तक आ रहे थे तो कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगा कि बाकी यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लाइटें जल रही हैं, वो सब कुछ धुंधला सा हो रहा है, और लालटेन जल रहे हैं, कहीं टांगे चल रहे हैं, कहीं साइकिल चल रही है, और हम उस ज़माने में चले गए हैं, जिस ज़माने का शूटिंग, जिस ज़माने का जिसकी ये कहानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लखनऊ आना अपने आप में ये बहुत हमारे लिए अहम बात है, क्योंकि शायद हम बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे इन कैरेक्टर्स के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली लखनऊ में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नहीं, सच में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो नया शो, ऊपर से यहाँ इस कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं, और ये घोड़े टांगे पे बैठे हुए हैं। नेहा, आप बताइए। अटल जी के जीवनी पर आधारित ये शो है, और हम लखनऊ में हैं, इससे बड़ी बात मुझे लगता है और कोई हो ही नहीं सकती है। और खुशी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि इस शो से हम जुड़ गए हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह का ये व्यक्तित्व है, तो उनके उन्होंने जो मकाम पाया था अपने जीवन में, वहाँ तक हमारा ये शो हम लेकर जाए। एक तो पहली बात, लखनऊ ये नाम सुनते ही हर कोई मेरे ख्याल से ऐसे सोचता है कि भाई एक बार जाना है। तो हमने भी सोचा था, आज हमें यहाँ आने का मौका मिल रहा है, उसकी वजह है ये सीरियल। और ये सीरियल मतलब अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके हम सब फैन हैं, सिर्फ उनके पॉलिटिक्स के ही नहीं, तो उनकी कविताएं भी पड़ी हुई है। और ये सब करते करते आज पता चला हम इस सीरियल में काम कर रहे हैं, जिसमें छोटा अटल हमारे साथ बैठा है। हम माँ बाप कर रहे हैं उसके, कृष्ण बिहारी वाजपेयी, कृष्णा देवी वाजपेयी, और इस कॉस्ट्यूम में यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है? मुझे लगता है आशुतोष ने जो बात कही, वो बात ही मैं थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ। जब भी हम किसी बहुत बड़े इंसान को देखते हैं, जिसने एक मकाम कायम किया है, समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, कला के लिए कुछ किया है, ऐसा कोई भी इंसान जब देखते हैं, तो हमेशा लगता है कि इसके जीवन में एक बार झांक के देखे कि ये जो व्यक्ति बना है वो कैसे बना है, और इसकी परवरिश कैसी होगी, इसके संस्कार कैसे होंगे। और हमें आज अटल जी के जीवन में इस तरह झांकने का मौका मिला है कि इस शो में उन्हें संस्कार देने वाले हम लोग ही होंगे। सैर सपाटा और मस्ती तो बहुत हो गई, अब बारी है इनसे रूबरू होने की और जानने की इनके किरदार और सीरियल के बारे में कुछ खास बातें। तो चलिए करते हैं इन सभी से खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, और आज मेरे साथ है अटल की टीम, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पर्सनैलिटी हो, जिनका व्यक्तित्व हो, आज भी हम सब याद रखते हैं। तो कैसी थी उनकी जिंदगी, कहाँ से उनकी व्यक्तित्व की शुरुआत हुई थी, कुछ इसी पहलू पर ये सीरियल फोकस कर रहा है। तो मेरे साथ सीरियल की पूरी टीम है, नन्हे से अटल हैं, और उनके माता पिता हैं, बेहतरीन कलाकार हैं ये लोग, और अब ये अटल की कहानी छोटे पर्दे पर बड़े अंदाज में कहेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर इसका लॉन्च हुआ है, तो टीम से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस कहानी को कैसे इन कलाकारों ने कहने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ नेहा जोशी से, जो बनी है अटल की माता जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार था, क्योंकि अटल का जो व्यक्तित्व है उसके पीछे उनकी माता जी का बहुत बड़ा हाथ था। और नेहा देखिए ऐसे ढल गई हैं कि मैं कह नहीं सकता कि नेहा एक महाराष्ट्रीयन मुलगी हैं, लेकिन आज बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि जैसे ग्वालियर की एक मैं किसी गृहिणी से बात कर रहा हूँ। तो नेहा, जैसा मैं अभी आशुतोष को बोल रहा था कि कलाकार जो होता है ना, एक पानी की तरह होता है, जिस ग्लास में डाल दो ढल गया। आज आपको देखकर लग रहा है कि मतलब बिल्कुल पहचानना मुश्किल है कि ये नेहा जोशी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक इज़ परफेक्ट, तो किस तरह से आपने अटल की माता जी का जो किरदार, उसमें आप ढल गए?
अपने आप में ये बहुत बेहतरीन किरदार है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1920 की, मतलब 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, और अटल जी की जो माँ थी वो पढ़ी लिखी थी, उस वक्त पढ़े लिखे होना एक लड़की ने ये बहुत बड़ी बात है। तो ये किरदार निभाना एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व से जुड़ी है ये, लेकिन इसके अलावा भी उस औरत के लिए, मतलब मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए कि उस ज़माने में, तो मैं मतलब जब ये किरदार के बारे में सोचती हूँ, जब मैं ये सोचती हूँ कि इसे कैसे निभाना है, तो मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि इनके माता पिता कैसे रहे होंगे जिन्होंने इन्हें पढ़ाया। और अटल जी के जो पिता थे और उनके दादा थे, तो मतलब ये परिवार कैसा होगा कि इतने पढ़े लिखे लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जानना और समझना ज़रूरी है इस किरदार के लिए। किरदार की तैयारी करने में एक तो बहुत मदद हुई है हमारी टीम की, जो रिसर्चर टीम है, जो राइटर्स है, चैनल के जो हेड है अमिताभ जी, क्योंकि इतना संवेदनशील अगर इंसान आपको लीड कर रहा हो तो बहुत आसान हो जाता है कुछ भी करना। और उनसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रही हूँ और फिर अपने हिसाब से कोशिश कर रही हूँ कि वो किरदार निभाते वक्त मैं अपने अंदर कैसे वो ढल जाए और फिर वो मैं कैसे किरदार लोगों के सामने पेश करूँ। तो हमारे साथ नन्हे अटल भी हैं, व्योम। तो व्योम, बिल्कुल आप इनका व्यक्तित्व देखिए, आपको अटल जी की याद आ जाएगी। तो नन्हे कलाकार, तो मैं नेहा चाहता हूँ आप तो दोनों, आज मैं आपको माइक देता हूँ। जो सेट पे जो मजा आ रहा था ना, अभी भी उतना ही मजा आ रहा है, जितने सब लोग हैं, सब लोग के साथ बातें हो रही है, सब बहुत मजा आ रहा है अभी। और एक्साइटमेंट तो इतनी हो रही है शो स्टार्ट होने की, पूछो ही मत। आप अटल बिहारी वाजपेयी को कितना जानते हो, क्योंकि आपने तो उनको देखा नहीं, वो तो यहाँ पर है। नहीं, नहीं। के बीच, तो आपने किताबों से, डायरेक्टर से, कैसे क्या आपने इमेज बनाई है? मैंने पहले तो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी थी और फिर मम्मी पापा ने और बताया उनके बारे में, और डायरेक्टर सर ने भी बताया, और जो वहाँ पे स्टाफ लोग रहते हैं उन्होंने भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 3 बार PM बने थे, और वो जो अपने दादाजी और मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, और जो उनके दादाजी थे ना वो मतलब एक फ्यूचर टाइप देखने के जैसे रहते थे, तो उन्होंने देखा था कि अटल एकदम जाके बड़ा होने वाला है, तो उनको वो फिर अटल जी को वो पूरा संस्कृति सिखाने लगे और उनके पापा को बोलने लगे इसको अंग्रेज स्कूल में मत भेजो। ज्योतिष मतलब पंचांग देखते थे उनके दादाजी अटल जी के, उन्होंने बोला था कि राजयोग है इस लड़के के जीवन में। और अब मैं आपको मिलाता हूँ आशुतोष से, जिन्होंने ढेर सारे मराठी स्टेज पर काम किया, हिंदी सीरियल में भी इन्होंने काम किया, लेकिन बीच में चले गए थे, बिजी हो गए थे मराठी प्लेस में, लेकिन अब वापस हिंदी जगत में आपकी वापसी, वो भी इतने धमाकेदार अंदाज में, एंड यू आर लुकिंग सो परफेक्ट आई मस्ट से, मतलब बिल्कुल आपको देख के मैं 2020 में ही पहुंच गया हूँ। हाउ चैलेंजिंग एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर अटल? मास्टर जी बना हूँ, और सच में आपने कहा वैसे ही चैनल की क्रिएटिव टीम और आलोक, हाँ वो याद आने ही चाहिए, और जिन्होंने भी शायद देखा होगा ऐसे मास्टर जी को, उनको सबको याद आनी ही, मतलब आनी ही है। तो ये लुक के लिए काफ़ी मेहनत की है चैनल के क्रिएटिव लोगों ने, और प्रोडक्शन के टीम ने, डायरेक्टर ने, सब ने मिलके की है। दूसरी बात, मैं मराठी सीरियल्स में था, उसके पहले हिंदी सीरियल एक की थी, बहुत सालों बाद मैं हिंदी सीरियल कर रहा हूँ, और तभी ये ऐसा एक किरदार निभाने का मौका मिलना, ये सच में मेरा सौभाग्य है। एक एक्टर मतलब चाहेगा कि उसे कुछ चैलेंजिंग करने मिले, वो भी मिला है, और दूसरी बात अटल जी का मैं खुद फैन रहा हूँ, तो उनके पिताजी की भूमिका, मतलब ये पूरा जो शो है जो आप देखने वाले हैं अभी अटल, उसमें एक खोज होने वाली है,
मतलब शो जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ ही हम सबको भी पता चल रहा है कि अटल जी के जीवन में ऐसे क्या और किस किस ने योगदान दिया था। तो जैसे अटल ने कहा कि दादाजी और माँ के साथ वो जुड़ा था, लेकिन अटल जी के पिताजी, मतलब जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ कृष्ण बिहारी वाजपेयी, वो खुद अटल जी से सबसे ज़्यादा जुड़े थे। उनकी जो उनके मन के अंदर दबी हुई सब आशाएं थी, जो उनके सपने थे, क्रांति थी, वो सब वो अटल में देख रहे थे और वो अटल से चाहते थे कि वो कुछ अलग बने, अलग बने, अलग बने। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत उस पर लगाई थी। अब ये सब दिखाना है तो ये मतलब अभिनेता के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है और करने में मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ में काफी जिम्मेदारी भी है। थिएटर से आए हैं तो थिएटर का जो कलाकार होता है उसकी एक सोच किरदार को लेकर थोड़ी सी अलग होती है, वो एक पीछे का बैकग्राउंड भी करता है। तो आपने जब कृष्ण बिहारी वाजपेयी के किरदार में गए उस वक्त जाके, मतलब कैसे एक, मतलब हाउ डू एन एक्टर प्रिपेयर व्हेन यू गेट थिएटर में, जैसे आप अपने किरदारों का उसमें पहुंच जाते हैं, इसमें आप कैसे अंदर तक पहुंचे? जी बिल्कुल, सिर्फ थिएटर से नहीं, मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंटल थिएटर से हूँ जिसमें काफ़ी प्रयोग किया जाता है और नेहा जी भी वहीं से हैं। तो वहाँ पे जो बात सीखी थी वो बिल्कुल अभी मैं इसमें उपयोग कर रहा हूँ। वो ऐसी बात है कि कोई भी अगर किरदार करना है तो सिर्फ वो कैसे दिखता है, उसकी भाषा कैसी है, इस पे ही सिर्फ ध्यान देना नहीं होता, वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो उसका मन, वो क्या सोचता होगा, वो किस तरीके से एक किसी चीज़ के ऊपर सोचेगा, बात करेगा, तो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो मेरी अभी वही कोशिश जारी है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर सर बोल रहे हैं, चैनल से भी फीडबैक सब कुछ आ रहा है, वो सब लेते हुए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ठहराव पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उनका जो मन रहा होगा वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यही प्रोसेस है। बच्चों के साथ तो मुझे लगता है आपका, मैं हमेशा बच्चों के साथ नहीं, लास्ट लखनऊ में हम आए थे, आपके तो आयुध था, बच्चों के साथ जब शूटिंग करते हैं तो एक आप बिल्कुल उनके साथ बच्चे भी बन जाते हैं, थोड़ा सीन्स करते हुए तो होते, तो ये छोटे बच्चे ही हैं, तो हाउ डू यू बोथ ऑफ यू, ये कि कैसे जब ये सीन करते हैं कैसे आप एक्सचेंज होता है, हाउ इज दिस होल थिंग व्हेन यू वर्किंग विद अ चाइल्ड? एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मुझमें पेशेंस बहुत कम है बच्चों को लेकर, बहुत कम है, लेकिन अभी ये सारे बच्चे ही मुझे बहुत पेशेंट बना रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं, इतने और इतनी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, जो कभी कभी कोई चीज़, टेक्निकल चीज़, कोई गैजेट की चीज़ मुझे भी नहीं पता होती, लेकिन उनको वो पता है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं मार्क पे खड़े रहना, डायलॉग किस तरह से बोलना है, कहाँ देखना है, और मुझे लगता है कि ये उम्र बहुत सही है ऐसी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि आपकी फिजिकल मेमोरी में चली जाती है, आप जैसे बोलते हैं कि आप स्विमिंग सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, वो भूलते नहीं है कभी जो बचपन में सीखा हुआ है। तो मुझे बस ये बात लगती है कि बच्चों के साथ काम करते हुए चैलेंजिंग रहता है बहुत, क्योंकि बच्चों का जो इनोसेंस है और जो जिस तरह से फ्री होते हैं, वो डर लगता है बच्चों के सामने खड़े रहने में, क्योंकि हम फिर भी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बच्चा जो है वो बहुत ही नेचुरली कर देता है, उसके वो नेचुरल और रियलिस्टिक अप्रोच से कभी कभी डर लगता है। मुझे लगता है हमेशा, मतलब मैं जब भी, अभी ये तीसरा शो है जिसमें छोटे बच्चे मेरे साथ है, तो मैं उनकी माँओं को बोल देती हूँ शुरुआत में ही कि मैं इन पे गुस्सा भी करूँगी, मैं इनसे प्यार भी करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, ये मुझे काम करते हुए देख रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करूँ, और अगर मैं उन्हें सीन को लेकर कुछ बात बता रही हूँ, तो एक इंसान के तौर पर भी अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं फिर पीछे नहीं हटती हूँ, और लेकिन इसी वजह से वो रिश्ता बहुत अच्छा बनता रहता है। अभी तो बस शुरुआत है, मैंने उसे
जब प्रोमो शूट किया था तभी बोला था कि बेटा आ जा अब तू तो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो तुझे पता चलेगा। तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन अभी आपने भी देखा होगा जिस तरह से वो बात करता है और जो कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लगता है कि एंजॉय इसके साथ भी बहुत करूंगी मैं। व्योम सेट पर अभी ये दोनों आपके मम्मी पापा हैं, तो रियल मम्मी पापा जो आपके घर पर हैं, हाँ। आप सेट पर अभी इन्हीं के साथ का, तो कैसे ये वैसे ही कैसे आप सीन करते हो, कोई लड़ाई वाला सीन, गुस्से वाला सीन, प्यार वाला सीन, कैसे पूरा आप माहौल होता है? अगर ऐसा कोई भी सीन आता है तो सबसे पहले सब लोग लाइन्स वाइन्स सब कर लेते हैं, उसके बाद साथ में बैठ के सबको रिवाइज करना रहता है एक दो बार, फिर जाके डायरेक्टर सर आके पूछते हैं कैसा है हुआ और ये सब, फिर सेट पे आखिर में जाके होता है। और साथ में जब भी ऐसा कोई भी हैप्पी वाला सीन रहेगा तो सब लोग रहेंगे, सैड वाला सीन रहेगा तो कोई कोई लोग रहेंगे, गुस्सा वाला सीन रहेगा तो हम तीनों ही रहेंगे। आज तो आपको क्या लगता है, बाल मन जो सबसे सबसे कोमल होता है, बच्चे जो आजकल हमारी जेन जी जो है, मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि बाल मन कोमल होता है, मुझे ऐसे लगता है कि वो ओपन होता है, वो हर चीज को अब्सॉर्ब करता है, हर चीज पाने की कोशिश करता है। और मेरे पर्सनल लाइफ में खुद के अभी मेरे बच्चे हुए नहीं है, और दूसरी बात मैंने फादर का किरदार भी अभी तक किया नहीं है, ये मेरे फर्स्ट टाइम है कि किसी इस उम्र के बच्चे के साथ मैं काम करूँगा। मुझे खुद को चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, ओवरऑल साइकोलॉजी सब्जेक्ट, तो उसमें जो कुछ भी पढ़ा है मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ सेट पे। तो जैसे वो उसे डांटती होगी कभी या फिर कुछ बताती होगी तो मैं वैसे नहीं करता, लेकिन मैं उसका क्या बनाऊँ, मैं मतलब शो में तुम्हारा क्या हूँ? पापा। और वैसे क्या हूँ? दोस्त। हाँ तो मैं उसको दोस्त बनाऊँ, हम दोस्त हैं, हम गाड़ी में आते जाते हैं सेट पे तो तभी हम बहुत बातें करते हैं, मस्ती भी करते हैं, और उसी से मैं इसे अपना मतलब बना रहा हूँ, जो भी एक्टर के हिसाब से भी बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री की ये कहानी है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी, इतने उम्दा कलाकार निभा रहे, इतनी अच्छी एनर्जी है, तो आप लोग भी देखें और समझें उसके पीछे क्या थी शख्सियत के पीछे बनने की जो दास्तान, क्योंकि सीरियल्स केवल सास बहू की किचन पॉलिटिक्स नहीं, कुछ अच्छी कहानियाँ भी लोगों को लेके आते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को देखें और ये नहीं कहिए कि छोटा पर्दा केवल सास बहू की पॉलिटिक्स केवल सीमित रह गया है, बहुत कुछ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा शो सास बहू और बेटियाँ। लखनऊ से अमित त्यागी। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार सीरियल अटल में देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की अनटोल्ड स्टोरी। फिलहाल हम कहते हैं व्योम, नेहा और आशुतोष को बाय बाय। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना 24/7 हेल्दी डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।